क्या है कि कॉर्नर में भी होता है और इसकी बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो ऑल द पार्टिकल ऑल द एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी, तो क्या होगा, एटम्स पे कॉर्नर पे कितने हैं, वन एटम। अभी हर जगह जब भी निकालेंगे तो बार बार कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, आप सीधे वन एटम लिख सकते हो। एटम्स एट बॉडी, बॉडी पे तो पूरा एटम ही है, तो पूरे का पूरा पार्ट वन इंटू वन बाई वन एटम इक्वल टू एटम्स। अगर मैं एंड सेंटर की बात करूं तो ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट एंड, टू अपोजिट एंड कोई भी हो सकते हैं, ऊपर वाला ले लो नीचे वाला ले लो, ये हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, आप कोई से भी एंड ले सकते हो, आगे वाला ले सकते हो, पीछे वाला ले सकते हो, वो तो आपकी उठा भाई कोई सा भी ले लो, आपकी तो हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए एटम्स एट कॉर्नर, कितने हो गए वन हो गए, एटम्स एट एंड कितने हो गए वन बाई टू इंटू टू, वन बाई टू मतलब फेस है, ये एंड क्या है फेस है और फेस का कितना वन बाई टू, तो टोटल वन, और वन और वन कितना होता है टू एटम। दैट मीन्स एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम, टू एटम। तो ये रही बात अपने सिंपल यूनिट सेल की, अपने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की और फेस की, बॉडी की, सबकी। अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, आखिरकार हम पैरामीटर्स के हिसाब से कैसे इनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये वही है कि बॉन्ड एंगल और उसकी लेंथ के हिसाब से कैसे अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इनको मैं टोटल एक समरी के रूप में कल जब बताऊंगा तो मैं एक चार्ट बना दूंगा, टेबल बना दूंगा, जिसमें आपको सीधे सीधे लिखा होगा कि ये यूनिट सेल का टाइप कौन सा है, ये फेस है, एंड है, और इनके कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर। इन सब की बातें होंगी अगले लेक्चर में। सो थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक मार सकते हैं और नीचे रीजन दे सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर करता हूं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।